हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो अभी सुबह के बज गए हैं 9:30, आप देख रहे होंगे 9:30 बज चुके हैं। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो गाइज, अभी नाश्ता नुश्ता करके और अब कर रहा हूँ मैं प्रेस। ये देख सकते हैं यहाँ पे सारे कपड़े, इतने सारे टी शर्ट्स मैंने कर दी है। पांचवी है और पांच है यहाँ पे पैंटे। तो ये सारी प्रेस करनी है और मैडम गई है अभी शॉपिंग करने, पता नहीं कहाँ। बोल रहे भाई शॉपिंग करके आ रहे हैं, शादी का टाइम आपको पता ही है, तो आजकल डेली शॉपिंग चली रही है। तो बने रहिए वीडियो में, फिलहाल मैं अभी इसको कर रहा हूँ प्रेस व्रेस करके, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज, अब कर दिए मैंने प्रेस, पैंट भी और शर्ट भी अपनी। 1 घंटा लग गया भाई, काफी गर्मी भी लगती है ना प्रेस करते हैं तो गर्मी टाइप की आ जाती है शरीर में, क्योंकि आँच आपके हाथ में रहती है। जैसे प्रेस एकदम गर्म रहती है तो काफी गर्म रहता है, इससे शरीर भी आपका और हाथ भी गर्म रहता है तो पूरे शरीर में गर्मी चढ़ जाती है। तो कमर हो गया पेन, तो ये मैंने प्रेस कर दिया फिलहाल और अब अगले दिन करूंगा। बाकी कपड़े देखते हैं और कौन कौन से कपड़े होते हैं प्रेस करने के लिए। आज की डेट में तो फिलहाल तो बच्चे तो जा रहे आज मार्केट। तो अब बनाया है मैंने मटर पनीर, तो दिखा देता हूँ आपको एक बारी कैसा है। तो ये देख सकते हैं आप, मेरा मटर पनीर बन के रेडी हो गया है। तो मैं, आंसू और एक मेरा साला है, तीन बंदे हम खाने वाले मटर पनीर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बन गया हमारा मटर पनीर एकदम बढ़िया करके। तो अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा क्रीम। सो गाइस, अब मैंने इसमें क्रीम डाल दिया, देख सकते हैं आप, एक क्रीम है। तो अब इसका स्वाद ही कुछ और हो जाएगा और कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा। और ये हमारा बनके हो गया है रेडी मटर पनीर, और अब खाएंगे हम इसको राइस के साथ। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है इसका बैटर, और मस्त करके बन गया हमारा मटर पनीर, ये देखिए। तो अब कर देते हैं हम गैस की फ्लेम ऑफ, खाया जाएगा इसको 5 मिनट। तो ये आ गए, अब शाम को बज रहे हैं 7। तो ये ले आए क्या क्या लाए, तो भजन पूरा गए थे, जोर से बोलो, सुनता कम है, बहरा आई। हाँ, हाँ। क्या क्या लाए वहाँ से? ये जैकेट लाई। हाँ। ये भी है। हाँ। सब एक ही टाइम पे पहनने हैं। ये बारात का है, ये मेहंदी का है। अच्छा, एक बारात का, एक मेहंदी का है। नॉर्मल लाई मैं घर के लिए। घर के लिए? इनको घर में पहनेगी? अरे बाहर जाऊंगी जब आए तो। ये कितने कितने का लाई? कितने का लाई? 1200 का था और ये कितने का? 1500 का। ये 1500 का था, आपको लूट के आया मच्छे। ये कितने का? मैं ये कितने का? 350 का था ना। ये तो जैसे पोछा लगाएंगे इसका। तो क्या है ये, कौन से डिजाइन है? इतना बड़ा मोटा गला भी तो रचा आदमी का। मेरा नहीं, आपने कहा है गला, आपने कमजोर। ये क्या है? ये मम्मी का है। ये मम्मी का स्टॉल है। ये स्टॉल है। ये क्या है? मेरा टॉप है, खरगोश का वो है, जैसे खरगोश होते ना, खरगोश की तरह उस टाइप का है ये कपड़ा। गला भी कैसा है इसका? गला अच्छा है उसका, नायलॉन टाइप का। ये क्या है? कोट है। अच्छा, ये जज का कोट भी लिया है? मेरे ऊपर तो सब आ जाएगा, इतनी पतली है। हाँ तो सब पहन लेना, 4-5 कट्ठे पहन, तब शादी में यही तो जगह मिलेगी। जैसे बारात चालू होगी तो एक वहां से उतार के तब दूसरे पहन के गाड़ी में घुसी हो, तब तीसरा पहन के उसमें। और ये मैडम को तो लगी ठंड, सीधे आती बिस्तरे में घुस गई। मुझे ठंड लगी। ठंड लगी? ऐसे कैसे ठंड लगी? ठंड बहुत लगती है। आपने चुकंदर पी लिया था? चुकंदर मुझे क्या पता, तूने उसमें चुकंदर रखा? तो मैं अभी पानी पीने के लिए गया तो इसने पानी के बोतल दिया, उसमें पूरा चुकंदर का रस भरा हुआ था। पानी पीने के लिए पागल है क्या? हां ऐसे क्यों करूंगा पानी फिरे तो मैंने अपने चुकंदर का रस। अच्छा, तो चुकंदर खा के खून की कमी पूरी हो जाती है? पानी मांगा इससे भाई, तो पानी दे दिया मैंने, कहा लाल लाल क्या है, इसमें कोई तेजाब तो नहीं मिला? इन्होंने रखा हुआ था ना, मैंने थोड़ी रखा था। डर गए? चलेगा नहीं, मैंने कहा लाल लाल क्या है, तेजाब की तरह। ऐसी बोतल में रखा हुआ है। वैसे भी कबूल एकदम सिल्वर की बोतल है, पता ही नहीं चल रहा उसमें क्या है क्या नहीं है। वो मिल्टन की बोतल है वो? हाँ मिल्टन की बोतल है, उसके अंदर रखा हुआ था उसको। अच्छा, मैंने कहा इसमें खराब नहीं है। और आपने वाले पनीर भी नहीं रखा?
पनीर तो भाई धीरज आया था, धीरज के लिए बनाया था हमने। क्या है राजमा और कौन थी क्या बिगाड़ के थे? मैंने उड़द राजमा और भट्ट बिगाड़ के थे इन्होंने। एक सीटी मारी और चले गए मार्केट। उसके बाद मैंने उसको जैसे सीटी सुटी मार के रेडी करा, दाल पे तड़का लगने वाला था, तभी धीरज पधार गए। यहाँ पे हमारे साले हैं धीरज, जो कि उनके पापा रहते हैं देहरादून में, उनका मकान भी देहरादून में है सीलापुरी में। तो अभी शादी में मिलेंगे तो जरूर मिलाऊंगा आपसे उनको भी। तो उनका लड़का है धीरज, उसका नाम मेरा साला, वो नोएडा में जॉब करता है, वो कंप्यूटर इंजीनियर है, तो वहाँ पे जॉब करता है। तो वो आ रखा था यहाँ पे, तो जब वो आ गया तो मैंने कहा भाई मटन खा रहा, तो मटन के लिए अगले ने मना कर दिया, तो बोला मैंने कहा पनीर ही बना लेते, तो आज उसने पनीर बनाया था उसके लिए। देखो इसके ऐसे वो लगा लेते, देखो क्या लगा, खांसी मेरी तो लगाओगे, मुझे दो रंदम की लगा दो किसी ने। सही लग रही है, सब सही है भाई, सब सही है, बढ़िया है। बेचारे लग रहे डेवरो नहीं है उसे, सनील है, सनील है तो सनील का कपड़ा, सनील का कपड़ा है, पर ऐसे लग रहा गौरव डेवरो ने मर्चा खाड़, देखो मर्चा बढ़िया। क्या डेवर बेचारा है, नहीं पकड़ बेचारा है ना, मठिया मेरा मठिया हमारे रहते थे जब सन 94-95 में, तो मेरे पापा को जब भालू ने खाया तो उसके बाद बंद कर दिए थे हमने। वो उस टाइम हमारे घर में 50-60-70 भी मेरे ख्याल दो दो ओवर बोलते थे, ओवर जो नीचे के घर होते थे पुराने वाले, तो उनके नीचे रखते थे, दोनों में पूरा फुल पैक रहते थे वो, तो काफी खाया थे। कुछ खाया खोया नहीं है, खाली खाली पी लिया। ये देखो ये पैसा अंदर है, छोड़ ना ना वो पड़क पैसा अंदर है, पैसा के पड़क है, फोन पड़क। सो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, उसके दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कल सुबह 8 बजे, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। तो जय भारत, जय उत्तराखंड।